वेलकम टू स्टडी आईक यू मेरा नाम है नीर निधि नंदे एंड आज मैं आपसे बात करने वाला सक्यू मेरे पेपर पार्ट पार्टन फिलोसफी के स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये है मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स बिफोर वी स्टार्ट लेट्स लुक एट वट इज द दस ऑफ पेपर सिक्स पहला इंपॉर्टेंस ये होता है कि मेरे हिसाब से ये स्कोरिंग पेपर है इसमें बहुत ही ईजिली वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन थर्टी प्लस जाया जा सकता है जो सिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्टली कीवर्ड से आ रहे हैं इसमें अगर आपके अच्छे नोट्स बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये मोस्टली स्टैटिक पोर्शन है इसलिए इसमें करंट अफेयर अपडेट करने का कोई टेंशन नहीं है आपको साथ ही साथ एक बार आप इसको रियाद कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ही ईजी होता हो जाता है फिलासफी सोशलॉजी और आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म को हैंडल करना साथ ही साथ मैं बता दूं कि पेपर सिक्स का पार्ट थ्री है सोशल एक्सपेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यहां से हर साल कोई ना कोई ऐसे जरूर बनता है तो आपका जीएस पोर्शन अगर तैयार है तो ऐसे में ट्रांजिशन करना थोड़ा सा करंट अफेयर और एनालिसिस के साथ बिकम्स वेरी मच इजियर ठीक है तो ये पेपर सिक्स के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं स्टैटिक है स्कोरिंग है कीवर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार याद कर लिया तो बहुत इजी हो जाता है स्कोर करना और पेपर सिक्स पार्ट थ्री सोशल एक्सपेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के हर साल गारंटीड पचास नंबर का एक ऐसे आता है तो अगर इन सब चीजों पे आपको पकड़ है तो ये सिर्फ इसी पेपर में नहीं आपको ऐसे पेपर में भी फायदा होगा चलिए आगे देखते हैं फिलोसफी की जो प्रिपरेशन है मुझे पहले रियलाइज हुआ कि फिलोसफी का प्रिपरेशन में सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है आपके पास नोट्स हो इसके लिए आपको फॉलो करनी पड़ेगी बुक लिस्ट और मार्केट में कोई ऐसा सिंगल सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम जो आपको इसके अच्छे नोट्स प्रिपेयर करवा दिए तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि दो से तीन पॉपुलर जो मटेरियल है उनको पढ़ लिए, जो क्रक्स है हर फिलोसफी का उसको आपने पकड़ लिया उसको रिलेटिवली सिंपल लैंग्वेज में आपने अपने नोट्स में लिख लिए कीवर्ड्स पे फोकस कर लिया कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है न्याय प्रमा अप्रमा असत्कार ठीक है तो प्रमा एक बार अगर पूछ लिया गया है तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस अगली बार अप्रमा पूछा जाएगा तो प्रमा की डेफिनेशन अप्रमा की डेफिनेशन असत्कारवाद की डेफिनेशन मिनिमम पांच पांच लाइन आपको आनी चाहिए ताकि अगर चार लाइन में पूछ ले दो मार्क्स में तो आप उसको रिड्यूस कर पाए और अगर सात लाइन में पूछ ले तो उसको एक्सपेंड कर पाए तो ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं इनकी आपको रेंज समझनी है कि कितने मार्क करके पूछे जा सकते हैं उसके बाद इसके हिसाब से आपको उसके नोट्स कनेक्ट करने हैं और इसके हिसाब से आपको अपना आंसर्स मोल्ड करना है रियल टाइम में तो ये जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो ये रही है और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है फिलोसफी वाले पेपर में वो ये होता है कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज मत करिए स्पेशली अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो

कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कीवर्ड्स पे छोटे छोटे नोट्स तैयार करके रखिए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसका जो क्रक्स है वो डिलीवर करिए पेपर में दैट इज द की टू स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन फिलोसफी अब आगे देखते हैं कि फिलासफी की प्रिपरेशन का, का जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो क्या होता है नेक्स्ट डायमेंशन जो होता है कि ये जो पेपर है फिलोसफी का इसमें जो ब्रॉड डिविजन्स है वो है इंडियन फिलासफी वेस्टर्न फिलोसफी एंड लास्ट में कुछ एथिक्स के पोर्शन है इंडियन जो है वो डिवाइडेड है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में अनऑर्थोडॉक्स उसके बाद मॉडर्न इंडियन थिंकर्स उसके बाद कुछ कुछ फिलॉसफी के बेसिक्स भी है जो पूछा जाता है वेस्टर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है एथिक्स में कुछ कुछ चीजें दी हुई है जिसमें दो मेन जो मेजर पार्ट है वो है करप्शन और विशेल ब्लोइंग ये मैं आपको आगे बताऊंगा सिलेबस में किस टाइप से करना है ठीक है तो ये जो इंडियन वेस्टर्न और जो एथिक्स है मैं आपको बता दूं कि एथिक्स में कुछ नहीं करना है दो मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और ये जो करप्शन और विसल ब्लोइंग है यहाँ से आप लगभग आठ मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा इसके बाहर नहीं जाने वाला एथिक्स वाला पोर्शन वेस्टर्न जो है वेस्टर्न जो फिलोसफर है इनका आपको क्रक्स पकड़ना है और फिलोसफी मुझे नहीं लगता है कि डेढ़ पेज से ज्यादा के नोट्स बन रहे हैं अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं नेक्स्ट लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा किस टाइप से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी का क्रक्स पकड़िए डेढ़ पेज से ज़्यादा नोट्स मत बनाइए एंड इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए इंडियन जो फिलोसफी है इसमें बेसिक्स में से दो ही को दो ही मार्क्स के आएंगे फॉर एग्जाम्पल डिफाइन फिलोसफी व्हाट इज़ एपेस्ट्रोलॉजी व्हाट इज मेटाफिजिक्स इस प्रकार के जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको दो मार्क्स से प्रिपेयर करना है ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल है मुझे लगता है इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस तो पंद्रह मार्क का उसको प्रिपेयर कर सकते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स है वहां से यूजुअली जो मैंने देखा है दो से चार नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं जैना बुद्धा और चरवाक तो दो से चार मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए मॉडर्न इंडियन फिलोसफी में मुझे लगता है कि एट मार्क का क्वेश्चन का ज्यादा डोमिनेंस है तो अगर इस टाइप से अगर आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे एट मार्कर के हिसाब से तो वो आपका काम बन जाएगा मैं एग्जामिनेशन में तो अगर मैं आपको प्रायोरिटाइज करूं कि कौन सी चीजें कब पढ़नी है तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले ऐसे करिए कि वेस्टर्न फिलोसफर पढ़िए क्योंकि रिलेटिवली इजी पड़ता है दूसरा एथिक्स पढ़िए क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि अगर आप तीन घंटे बैठेंगे तो या प्रिपेयर कर लेंगे एथिक्स के नोट जीरो से लेके लास्ट तक तीन घंटे के अंदर प्रिपेयर किए जा सकते हैं गिवन द राइट सोर्सेज एंड तो योर अप्रोच तो पहले वेस्टर्न फिलोसर कर लीजिए क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक बार फिर नोट्स बन गए तो बहुत सिंपल हो जाता है दूसरा एथिक्स कर लीजिए क्योंकि एथिक्स में दो दो मार्क के ही डेफिनेशन हैं और करप्शन और विसल ब्लोइंग ऐसा है कि आपने उसको एक बार पढ़ लिया तो डेट इट वो प्रिपेयर हो जाता है जो मॉडर्न इंडियन फिलोसफर्स है उनको आप तीसरे नंबर पर प्रायोरिटाइज करिए और जो अनऑर्थोडॉक्स है जैना बुद्धा और चरवाक इनको करिए चौथे नंबर पे, क्योंकि मोर और लेस ऐसा है कि ये आपका इंडियन हिस्ट्री में कवर हुआ होता है और चरवाक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलोसफी है तो उसके बाद आप अनऑर्थोडॉक्स कर लीजिए इसके बाद ऐसे करिए कि आप बेसिक्स कर लीजिए कि वॉट इज फिलोस व्हाट इज अ मेटाफिजिक्स और लास्ट में ऑर्थोडॉक्स बनाइए यूंकि जो इंडियन थिंक इंडियन के जो ऑर्थोडॉक्स फिलोफर्स हैं वो मुझे थोड़ा सा काफी टिपिकल लगते थे कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और इसमें संस्कृत वर्ड्स काफ़ी यूज हुए हुए हैं तो वो थोड़ा सा मुझे मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था, था चीज़ों को अब्जॉर्व करना तो ये है जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप पहली बार बिगिन कर रहे हैं नोट मेकिंग का पहला है वेस्टर्न प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि वेस्टर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसके नोट्स एक बार बन गया ना तो ये वही बोलते हैं जो ये बोलते हैं इसमें ज्यादा डबल एड मीनिंग नहीं होती है दूसरा एथिक्स कर लीजिए क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये एकदम मॉरल साइंस टाइप का है ये इसको आपने क्लास एट का बच्चा भी आराम से प्रिपेयर कर सकता है तीसरा आप करिए मॉडर्न इंडियन फिलोसफी क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिलेटिवली इजी है चौथा अनऑर्थोडॉक्स कर लीजिए जैना बुद्धा और चरवाक पांचवें में आप जो बेसिक्स है उसको कर सकते हैं और लास्ट में आप इंडिया के ऑर्थोडॉक्स फिलोसफर्स करिए ठीक है क्योंकि एक बार आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है ना तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो छोटा सा बच्चा हुआ है तो लास्ट पुश भी आप कर ही लेते हैं तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है प्रिपरेशन की ये चीज़ मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ मैं कौन सा पोर्शन को क्या कह रहा हूँ अब सिलेबस देखते हैं फिलोसफी पे वह तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट से ही हमेशा सिलेबस देखिएगा किसी और सोर्स से नहीं क्योंकि जब से अपडेशन हुआ है सिलेबस का तो कुछ कुछ दिक्कतें हैं जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं और इस वाले ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में प्लेटो वर्चूज से स्टार्ट करिए यहां से वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट होता है आपका जो चलता है लगभग यहां तक सातवें एक्सिस्टेंशलिज्म का और एक यहाँ का इसका एक पार्ट प्रॉब्लम ऑफ ईविल ये भी लगभग वही वेस्टर्न फिलोसफी में ही आ जाता है ठीक है तो यार जो पार्ट है इसको पहले प्रिपेयर करना है प्लेटो का वर्चूज से लेके सातवें एक्सिस्टेंशियलम तक और एक प्रॉब्लम ऑफ ईविल तक ये पार्ट पहले प्रिपेयर करना है जो दूसरा आपको प्रिपेयर करना है वो मेरे ख्याल से एथिक्स वाला पोर्शन है मीनिंग ऑफ रिलीजन को उसी में ले लीजिए क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन है तो इसमें नेचर ऑफ फिलासफी ऑफ रिलीजन टॉलरेंस सेकुलरिज्म एथिकल वैल्यूज एथिकल डिलेमा ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना ये आपके सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे इसको सेकेंड ऑर्डर पर करिए जो थर्ड है वो आपका होना चाहिए मॉडर्न इंडियन थिंकर्स जो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग क्वार्टिल् से स्टार्ट होके यहाँ तक आते हैं इनको कर लीजिए तीसरे नंबर पे इसके बाद चौथे नंबर पे आप करिए ये अनऑर्थोडॉक्स स्कूल को चरवाग से लेके शनिकवाग तक क्योंकि ये इजी है इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है तो ये आपसे कहीं ना कहीं हो जाएगा ठीक है इसके बाद पांचवें नंबर पे आपको करना है जो मेरी रिकमेंडेशन है पांचवें नंबर पे आप ये जितना भी बेसिक्स है ये कर लीजिए यहां से मोस्टली दो नंबर दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में छठवें नंबर पे यू कैन हैंडल जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है साख से लेके अद्वैत वेदांतों तक तो ये रफली डिवीजन होना चाहिए रफली डिवीजन में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में फिलॉसफी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बट वंस यू अंडरस्टैंड द क्रक्स इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है सेंट आंसलाम आर्गुमेंट देते हैं फॉर द ऑन्टोलॉजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड दुनिया भर के नोट्स पढ़ लीजिए लास्ट में उसका क्रक्स क्या निकलता है मैं बताता हूं सेंट आंसलाम ये कहना चाहते हैं कि उनके हिसाब से जो गॉड है वो परफेक्ट आइडिया है उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता पहला स्टेटमेंट ठीक है दूसरा फिर इसी स्टेटमेंट को वो आर्ग्यू करना चालू करते हैं इसी के बेसिस में वो ये बोलते हैं कि जो गॉड है या तो वो इमेजिनेशन में एक्सिस्ट कर सकता है या तो रियालिटी में एक्सिस्ट कर सकता है ठीक है चलो मान लिया उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अगर गॉड इमेजिनेशन में एक्सिस्ट करता है तो वो सबसे परफेक्ट आइडिया नहीं होगा क्योंकि गॉड एक्सिस्टिंग इन रियालिटी इज नेचुरली ए बेटर आइडिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है आप डिप्टी कलेक्टर इमेजिनेशन में है ये परफेक्ट आइडिया नहीं हो सकता क्योंकि इससे एक बेटर आइडिया है कि डिप्टी कलेक्टर आप रियलिटी में यही एनोलॉजी सेंट एनसलम ने यूज करिए ठीक है।, है उसके बाद उसने बोल दिया ड मस्ट एक्सिस्ट इन रियालिटी एंड हिज एक्सिस्टेंस इज रियल एंड कंपल्सरी कुल मिलाकर का जो क्रक्स है ना जो कोर है जिसके बेसिस पे पूरी फिलोसफी बनी हुई है वो ये है कि भगवान वो परफेक्ट आइडिया है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जॉब है तो उसकी परफेक्ट आइडिया सीजीपीएससी एस्पुरेंट के लिए यही होता है कि डिप्टी कलेक्टर बन गया ठीक है तो ये है उसके नीचे का जो भी है वो परफेक्ट आइडिया नहीं होगा तो उसने यही बोल दिया कि दो आइडिया है या तो भगवान रियालिटी में है या तो भगवान इमेजिनेशन में अगर इमेजिनेशन में हो तो परफेक्ट आइडिया हो ही नहीं सकता क्योंकि रियालिटी में होना इज नेचुरली अ बेटर आइडिया देर फोर गॉड मियालिटी एंड इज रियल एंड कंपल्सरी बन गया छोटा सा क्रक्स है जो हमने पकड़ लिया एंड इससे हमारा काम बन गया है सिमिलरली आप यही क्रक्स आप पूरे वेस्टर्न में पकड़ते चलिए एंड ये हो जाता है बहुत ही ईजिली हो जाता है जैसे अब ब्राइडली का ब्राइडली uh, का जो फिलासफी है डायलैक्टिकल आइडलिज्म उसमें कुछ नहीं होता है उसका यह कहना है कि कोई भी जो थ्योरी है या आइडिया है ये डायरेक्टली स्ट्रगल से डेवलप होता है ठीक है क्रक्स पकड़वा रहा हूं आपको उस किस टाइप से अप्रोच करना है ठीक है तो वो बोलता है कि कोई भी एक आइडिया आता है ठीक है थोड़ी देर बाद उसका ही एक अपोजिट आइडिया आता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके केस में हो सकता है या डिप्टी कलेक्टर बनना है ठीक है इसको काटना आपके मन में हो सकता है वाले से ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ठीक है ये पहली आइडिया है दूसरा इसका आइडिया आएगा गवर्नमेंट जॉब से चाहिए लेकिन ग्रेड टू वाले गवर्नमेंट जॉब चाहिए ठीक है फिर इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा डायरेक्ट होगा तो तीसरा एक चीज आएगा कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आप देख सकते हैं एक आइडिया आया उसके अपोजिट एक आइडिया आया इन दोनों ने सिंथेसिस किया तो एक एक और आइडिया बना ठीक है तो इसी चीज को बोलता है ओरिजिनल आइडिया को बोलता है थीसिस इसके अपोजिट जो आइडिया डेवलप हो, होता है उसको बोलता है एंटीथिसिस और इन दोनों से मिलके जो आइडिया आता है उसको बोलता है सिंथेसिस ठीक है और यही सिंथेसिस फिर जाके एक और वो बन जाता है एक और थीसिस बन जाता है एक और नया आइडिया बन जाता है फिर इसका अपोजिट एक और आता है पहला आइडिया आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए दूसरा आया कि ग्रेड टू की जॉब चाहिए फिर इन दोनों का डायलेक्ट हुआ फिर एक आइडिया निकला कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है ठीक है तो उसके बाद फिर एक और आइडिया आएगा कि आपको रैंक वन से डिप्टी कलेक्टर बनना है ठीक है फिर ये दोनों आइडिया आएंगे फिर एक और आइडिया निकलेगा कि डिप्टी कलेक्टर बनना है रैंक वन से तो बनना है लेकिन एक बहुत ही एथिकल डिप्टी कलेक्टर बनना है तो ये ट्रायंगल टाइप के में बन रहा है ट्राइंगल टाइप के में बन के ऐसा प्रोसीड हो रहा है तो इसी चीज को आपको पकड़ना है ठीक है अडालिटिकल आइडियलिज्म इज नथिंग बट ये है कि भाई कोई भी आइडिया होता है वो एक डायलेक्ट या स्ट्रगल से फॉर्म होता है सबसे पहले इनिशियली एक आइडिया आता है उसको थीसिस बोल देते हैं टेक्निकल टर्म्स में उनकी फिलोसफी में उसके अपोजिट एक आइडिया डेवलप होता है उसको एंटी थीसिस बोल देते हैं इन दोनों का डायलैक्ट स्ट्रॉग हो जाता है तो ये इसका सिंथेसिस हो जाता है तो इसी टाइप से मैंने समझा था इस चीज पर्टिकुलर चीज को तो यही क्रक्स आपको पकड़ना है और इसी चीज को आप अगर बुक से पढ़ने जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से भाई हालत ख़राब हो जाएगी आपकी मेरे पर्सनली मुंह से झाग निकल आया था जब पहली बार मैंने फिलोसफी पढ़ा था मुझे लग गया क्या बोल रहे हैं ये लोग तो वही रीजन है कि एकदम सिंपल सा चीज है बस क्रक्स पकड़ना है आपको तो इसी टाइप से क्रक्स पकड़ते चलिए और आपके नोट्स बन जाएंगे स्पेशली कम्स टू वेस्टर्न ठीक है सिमिलरली सबको हैंडल कर लीजिए एक बार में नोट्स मत बनाइए एक बार किसी बुक को पढ़िए उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए चार पांच दिन बाद आइए फिर देखिए क्या कटाई छटाई हो सकता है फिर फाइनल नोट्स बनाने के पहले अपने एक दोस्त को पकड़िए उसको बोले कि तूने ने क्या क्रस समझा है इस पर्टिकुलर फिलोसफी का तो आपको वो मेरे लैंग्वेज में समझा देगा आप देख लीजिए कि हाँ मोर और लेस मेरा ऐसे ही आ रहा है प्लस आपके अपोजिट मीडियम का जो है अगर मान लो जी मैं इंग्लिश मीडियम में हूं मैं अपने इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त को पकड़ा ठीक है उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि हाँ चलो कॉमन वॉमन तो यही आ रहा है फिर अपने एक हिंदी मीडियम वाले दोस्त को पकड़िए आप दोनों जाके एक तीसरे बंदे को पकड़िए जो हिंदी मीडियम से होगा उसको बोलिए कि भाई आपके हिसाब से इस फिलोसफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स के हिसाब से फिर आपको बता देगा कि यही इंपॉर्टेंट है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए तो आपको अपने ही एक और मीडियम वाले के साथ कंसल्ट करना है प्लस एक अपोजिट मीडियम वाले के साथ कंसल्ट करना है क्योंकि फ़िलासफ़ी के जो मटेरियल है कुछ कुछ पार्ट हिंदी में बहुत अच्छे हैं और कुछ कुछ पार्ट इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो आपस में तो आपस में थोड़ा सा कॉपरेट करिए और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन के साथ शेयर करते जाइए तो मेरे नोट्स ऐसे परफेक्ट बने थे आप भी करते जाइए इसी प्रोसेस को फॉलो नोट्स की बात हो ही रही है तो चलिए मैं अपने फिलासफ़ी के नोट्स आपको दिखा देता हूँ इस श्री और बिंदु का इंटरनल योगा है जैसे आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे नोट्स बन गए थे तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है वन टू थ्री फोर की भी जैसे मान लीजिए पूछ लेता है व्हाट इज योर अब दो इंटरल योग तो पहला पॉइंट ये डालूंगा दूसरा ये डालूंगा तीसरा ये डालूंगा चौथा ये डालूंगा तो एक मोल्ड तैयार है यही आपको मेरे पूरे नोट्स में दिखेगा सुपर माइंड की बात हुई है कुछ फ्लो चार्ट अगर बन रहे हैं तो बना लीजिए तो ये मेरा सुपर माइंड का नोट्स है वन से एक पेज का है एक ए पेपर है नथिंग वेरी फैंसी विवेकानंद का यूनिवर्सल रिलीजन इसका क्वेश्चन आया था पंद्रह नंबर का मेंस में ये मैंने लिख दिया है जब भी आपके नोट्स ज़्यादा हो जाते हैं ना तो प्लीज़ में एक श्योर कि उसमें आप हाईलाइट करके उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि पहला पॉइंट कौन सा है दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा है चौथा कौन सा है पाँचवा कौन सा है क्योंकि या तो अपने नोट्स आप बहुत ही सर्जिकल बना लीजिए कि उसमें पाँच ही पॉइंट है या अगर ज़्यादा हो गए जो कि यूजअली ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती नोट्स बनाने की तो उसको हाईलाइट करके आप स्केच पेन से जैसे मैंने किया है वन टू थ्री फोर कर लिया है एंड ये मेरा एक प्रकार से एक मॉडल आंसर तैयार है जो मेरे दिमाग में प्रोग्राम्ड है कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो यही आ गई थी पंद्रह नंबर में तो मैंने जस्टिफाई कर दिया था उसको पेपर में मंडल थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक बार पूछा जा चुका है कि सप्तांग थ्योरी उसका मॉडर्न रिलिवेंस बताइए तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है मंडल थ्योरी एंड टेल इट्स मॉडर्न रिलेवेंस तो ये जो है कुछ थ्योरीज हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये मैंने लिख दिए हैं ठीक है इसके बाद मैंने यहाँ पे नोट्स इम्प्रूव करे थे तो ये देख सकते हैं आप नोट्स षडगुण नीति बता दी है उसकी ये उपाय आज बता दिए हैं तीन टाइप ऑफ वॉर बता दिए विक्ट्रीज बता दिए डेट सेट और यहाँ पे कुछ टेरिटरी थी इस पन्ने के पीछे है ना तो ये ये जो पन्ना है ऊपर से स्टेपल मारा गया था जो इसको बाद में मैंने ऐड किया था इसके पीछे एक डायग्राम्स बने हुए हैं कुछ जिसमें वो बताता है डिफरेंट रूलर्स के बारे में और यहाँ पे उदासीन करके दिखाया हुआ है स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है और एक बफर स्टेट है जो नेपाल का एग्जाम्पल दिया जाता है इंडिया और चाइना के बीच में तो ऐसे करके मॉडर्न रिलिवेंस में इसको खींच लिया था इस नोट्स को पर्टिकुलर नोट्स को अपूर्वा की बात चल रही है अपूर्वा भी काफी अच्छा फोर मार्क का क्वेश्चन बनता है तो इसमें मेरे पंच लाइन तैयार है कि पहला लाइन क्या लिखना है जैसे मेटाफिजिकल लिंक बिटवीन एक्ट्स एंड फ्रूट दूसरा इसका डेफिनेशन बता दिया तीसरे लाइन में कुछ कुछ है चौथी लाइन में कुछ कुछ है तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं लेकिन थोड़े से बल्क में नोट्स प्रिपेयर हो गए उतने पिन पॉइंट नहीं है तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि वन टू थ्री फोर करके हाईलाइट करते जा रहा हूँ सिमिलरली विकासवाद विकास ऐसे कुछ ही फिलासफी है जिसमें डायग्राम बनता है दिस इज वन ऑफ दोस्ट तो ये जो कैची डायग्राम से आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मदद आ जाएंगे डेकार्ट्स जैसे आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली वन टॉपिक वन पेज का ही नोट्स मेरे चल रहे हैं ठीक है मैंने कंसाइज कर लिया था काफी यानी यही रीजन की कि फिलोसफी वे पेपर में अच्छे खासे नंबर उठे हैं मेरे तो आप देख सकते हैं ड्रीम थ्योरी डेमन थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे आई थिंक देअर फोर आई एम पता नहीं कितने बार पूछ लिया है जब से जुड़ा हुआ है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात हुई देखिए यहां पे डायग्राम बनाए हैं ठीक है पहले एक आइडिया आएगा थीसिस इसका अपोजिट आएगा एंटी थीसिस फिर ये सिंथेसिस हो जाएगा फिर सिंथेसिस कुछ देर बाद फिर से थीसिस बन जाएगा फिर इसके अपोजिट एक डेवलप होगा आइडिया एंटी फिर एक नया सिंथेसिस बनेगा फिर थोड़ी देर में थीसिस बन जाएगा फिर एंटी तो आप समझ रहे हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं यहाँ पे का प्रेगमेटिज्म फिर से वंस अगेन मेरे पॉइंट्स तैयार हैं यहाँ पे पहला पॉइंट इस पन्ने में दो पेज में खत्म हो गया ये थोड़ा सा बड़ा था तो दो पेज में मैंने खत्म कर दिए बट ये दोनों आर द फेस ऑफ द सेम

किसी तरीके से उन्होंने आर्ग्यू किया है कि अगर इविल अगर आपका गॉड इतना ही है ओमनीसियंट है ओमनी पेटेंट है और है। इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है कि अगर आपका गॉड ऐसा है ओमनीसियंट ओमेंट और ओमनी बेनोवेंट है तो नहीं करना चाहिए लेकिन बिकॉज ई विल एक्सिस्ट करता है इसका मतलब आपके गॉड में वन ऑफ दिस क्वालिटीज नहीं है या इसका क्रक्स है ये क्रक्स पकड़ना है और इसी के बेसिस में आपकी फिलोसफी एकदम सिंपल हो जाती है आप लेम लैंग्वेज में समझा सकते हैं किसी को ठीक है तो ये मेरे पर्टिकुलर नोट्स हैं इसके बाद जो पेपर सिक्स के जो पर्टिकुलर मॉडल आंसर्स है या मॉक टेस्ट है उसका पेपर मेरे पास है नहीं क्योंकि पेपर सिक्स वन ऑफ द मेरा कंफर्टेबल जोन था और पेपर फाइव मुझे करने में उस मॉक टेस्ट के दौरान बहुत टाइम लग गया था क्योंकि मार्च वाले जो मेन है उसके बाद मैं इकोनॉमिक सर्वे अपडेट कर रहा था और कई करंट अफेयर रट रहा था तो पेपर फाइव में मुझे इतना टाइम लग गया था कि मैं पेपर सिक्स मुझे स्किप करना पड़ा था डायरेक्टली पेपर सेवन देना पड़ा था तो पेपर सिक्स का मैंने रिटर्न प्रैक्टिस मेरे पास नहीं है लेकिन लॉकडाउन के दौरान कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिफोर मार्च वाला मेन्स मेरे मॉडल आंसर्स हैं जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन डिसाइड करते थे और लिख के भेजते थे उस पर्टिकुलर ग्रुप में तो उसके कुछ कुछ है मेरे पास तो उसमें आपको जनरली दिखा देता हूँ वही आंसर राइटिंग हैक्स जैसे पहले हैं नथिंग वेरी वेरी स्पेशल तो उसको आप देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं वेस्टर्न फिलोसफी ह्यूम का स्पेक्टिज्म स्केप्टिसिज्म की बात हुई है बारकले का एस एस्ट परसिपी मैंने आंसर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने इसका आंसर भी पॉइंट वाइज लिखे हैं पॉइंट वाइज आंसर ही चल रहे हैं आजकल सीजीपीएससी में अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आप अपने आप को रिलेटेड डिसएडवांटेज में डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी मैं क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी लिमिट uh, नहीं करना चाहता हूँ पैराग्राफ फॉर्म में इट इज़ अ ब्रिलियंट वे ऑफ आंसर राइटिंग लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना इज नेचुरली अ बेटर अप्रोच तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग तो आप बुलेट पॉइंट में लिखने का आदत डालिए जैसे मैंने पॉइंट वाइज वन लाइन वन पॉइंट का ही अप्रोच है लगभग ठीक है और जिस प्रकार से मैं स्पेस ज़्यादा नहीं खाता हूं पर क्वेश्चन में और ऑलमोस्ट मेरा इतनी प्रैक्टिस हो गई तो ऑलमोस्ट एक लाइन में मेरा एक पॉइंट फिट हो जाता है ठीक है तो ऐसा ही आप करिए क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज लिखना लेकिन यहाँ तक उनका पहला सेंटेंस ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं तो ऐसे में एक सिमेट्री आ नहीं पाती है और दूसरा अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो ये जो खाली जगह है ना उनको बहुत ज़्यादा चुपता है तो ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आपको अगर कोई आप लाइन लिखना स्टार्ट करिए तो आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे खत्म होने वाला है दो चार शब्द आ सकते हैं यहाँ पे तो कुछ मत करिए यहाँ पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि उसको पैराफ्रेज कर लीजिए थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए चीजों को तो मोल्ड करने से क्या होगा एक तो आपकी लाइन यहीं पर कट जाएगी यहाँ पे कट टू कट और दूसरा है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसको हाईलाइट करने लायक है अगर वो लेफ्ट से स्टार्ट हो पहला ही की जो है अगर वो हाईलाइटेड पोर्शन से स्टार्ट हो अंडरलाइन पोर्शन से स्टार्ट हो तो एक काफी अच्छी सिमेट्री बनती है तो सब चीज़ों का ध्यान रखना लॉक का एपिस्टोमोलॉजी इसको मैंने बांट दिया है ठीक है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने आंसर लिखा है इसका लेबिनिट्स थ्योरी ऑफ मोनाड ठीक है तो इसमें मैंने मोनाट्स अब इसने पूरे पूरे लेबिनिट्स थ्योरी पूछ दी है तो सबसे पहले तो लेबिनिट्स के हिसाब से सब्सटेंस क्या स्टांस है ये लिख लिया है मोनाट्स के डेफिनेशन दे दी है क्वालिटीज ऑफ मोनार्ट बता दिया है ठीक है प्री स्टेब्लिश हार्मोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है तो जब भी आपको ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन पूछेगा ना तो ट्राई करिए उस फिलोसफी के बारे में जितनी भी छोटे छोटे डायमेंशन आपको पता है वो आप उसमें ऐड करिए तो वहां से आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा मार्क्स सिमिलरली एक और है मेरे पास यहाँ पे तो जितने भी वेस्टर्न फिलोसफी है उन्हीं के बेसिक जितने भी वेस्टर्न फिलोसफी है उन्हीं की बेसिक चीजें यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल सबस्टांस प्रतीत समुत्पादक के आंसर लिखा हुआ जैसे आप देख रहे हैं वन लाइन वन पॉइंट वाला अप्रोच यहाँ पे भी चल रहा है कहीं ना कहीं यही है स्मार्ट और सिस्टेमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है जैन का बुद्धिज्म का तो यू गेट एन आइडिया राइट कि किस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ चीजों को और मोरलेस वही फिलोसफी रही है एंसर राइटिंग की तो अगर हम लोग बात करें इनके पेपर में तो देखते हैं मीनिंग ऑफ सधर्मा दो मार्क का अप्रमा सतकार सत्याग्रह यूनिवर्सल रिलीजन पंचमता अष्टांग योग इंटरनल योग मैं यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर गया हूं दो माह के क्वेश्चन में वो ये है कि सिलेबस का जो कीवर्ड है इसी के सामने व्हाट, डिफाइन वाई जोड़ के बन गया है मतलब वो कीवर्ड के बारे में अगर आपको चार लाइन मालूम है तो आपके दो माह के क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है तो ये पर्टिकुलर चीज है अब प्लस एक और चीज़ में ऑब्जर्व कर गया हूँ इस पेपर में मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल और एनालिसिस स्किल थोड़ी सी ठीक मानता हूं मैं तो पहले तो मैंने ये ऑब्जर्व कर गया कि इसमें की पूछा है ठीक है अब दूसरा चीज मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ इस चीज़ में क्या चल रहा है ठीक है जो इस पर्टिकुलर पेपर में जो आपको मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता स्टार्ट कर रहा होता तो मैं तो ऑब्जर्व तो कर गया होता ये चले गया है कि यहाँ से जो बेसिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्थोडॉक्स स्कूल का क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है ये दोनों ये मॉडर्न इंडियन थिंकर का है दोनों क्वेश्चन दो क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन थिंकर के दो ऑर्थोडॉक्स के एक बेसिक से है बुद्धा से एक क्वेश्चन है जैना से एक क्वेश्चन है और ये मॉडर्न इंडियन थिंकर से वन मोर क्वेश्चन है तो कुल मिला आप देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन थिंकर के जो क्वेश्चन लगभग थ्री आउट ऑफ एट क्वेश्चन आ रहे हैं ये कोई हार्ड कोर मोल्ड नहीं है लेकिन मोरल मोर थीम पे आएंगे अगर आप 2020 का पेपर कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं यही आए थे ऑर्थोडॉक्स जो डेफिनेशन है वो टू आउट ऑफ एट क्वेश्चन लगभग ठीक है अनऑर्थोडॉक्स बुद्धा जाना है इनके दो क्वेश्चन फिक्स है ठीक है और एक क्वेश्चन बेसिक से आ गया है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि, कि किस प्रकार से डिवीजन है इसने हर जगह से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो माह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो मेक मेकश्योर sure से आपको मोटा मोटी पता चल गया है कि चरवाग जाना बुद्धा से आ जाएगा दो माह का एक क्वेश्चन जो बेसिक है गीता का वहां से आ जाए एक एकांध क्वेश्चन जो वेस्टर्न फिलोसफी है वहां से यहाँ पे लगभग लग नहीं आया है क्वेश्चन लेकिन वहां से भी दो माह के क्वेश्चन प्लेटो जो है वो बनता है ठीक है उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉडर्न इंडियन फिलासफर्स हैं फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर जी का व्यू एकांत मानव दर्शन इंटीग्रेट इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आ सकता है और बिंदों का इंटरनल योगा पूछ सकता है सुपर माइंड पूछ सकता है यूनिवर्सल रिलीजन पूछ सकता है दो नंबर में तो एक आपको नेचर समझ में आ रहा है किस प्रकार से जो दो माह के क्वेश्चन है उनका फ्लेवर है तो उनका फ्लेवर बेसिकली यही है कि हर पोर्शन से उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए हैं ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि चार मार्क में क्वेश्चन में क्या चल रहा है चार मार्क के क्वेश्चन में देखिए नॉन वायलेंस पूछा हुआ है लॉक्स थ्योरी ऑफ नॉलेज पूछा हुआ है प्री स्टाइलिश्ड हार्मोनी ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट कर एंड चीफ कैरेक्ट्रिस्टिक अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर मॉडर्न इंडियन थिंकर से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है तो जितने भी मॉडर्न इंडियन थिंकर हैं उनकी रेंज अभी तक जो मेरे को पता चली है टू मार्क्स और फोर मार्क्स है ठीक है वेस्टर्न फिलोसफी जो दो मार्क्स में नहीं पूछा गया था वो डायरेक्ट चार मार्क्स में तीन क्वेश्चन पूछे गए अगर वेस्टर्न फिलोसफी में अगर पढ़ रहा हूँ तो आई विल मेक श्योर उसके बारे में मेरे को चार मार्क के हिसाब से कुछ ना कुछ पता है एटलीस्ट सेवन लाइन्स काम के सेवन लाइन पता है ठीक है और यहां बेसिक्स से एक और क्वेश्चन आया ठीक तो बेसिक्स आपको दो में भी दिखा चार में भी दिखा मॉडर्न इंडियन थिंकर्स आपको दो में भी दिखे एक में भी दिखे दो में भी दिखे और चार में भी दिखे अब आगे बढ़ते हैं वट डू अंडरस्टैंड बाई सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंस ठीक है कोगिटो एरगो सम क्रिटिसिजम ऑफ कांट आठ माख के क्वेश्चन में डोमिनेंस है वेस्टर्न फिलोसफर्स का ये मैं चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली तो वेस्टर्न फिलोसफर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं चार मार्क के आठ मार्क के बेसिक से क्वेश्चन कितने बन रहे थे दो मार्क के चार मार्क के ठीक है इंडियन जो थे उनसे बन रहे थे दो मार्क चार मार्क के बुद्धा जाना यूजुअली दो मार्क में ही आसपास घूम रहे हैं ठीक है इतना हम लोग को समझ में आ रहा है जनरल जो फेवर चल रहा है यहाँ पे सिमिलरली अपन देखें दस मार्क के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते पंद्रह मार्क के क्वेश्चन ठीक है ये दोनों पोर्शन इंडियन फिलोसफी के हैं ये जो है ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलासफर्स है यह सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलासफी में से कहीं ना कहीं है ये ठीक है और ये यहाँ पे मॉडर्न इंडियन फिलोसफर्स है यहाँ प्रैक्टिकल वेदांता पूछा गया है स्वामी विवेकानंद का अब क्या एनालिसिस निकलता है हमारा दो मार्कर क्वेश्चन चार मार्कर क्वेश्चन आठ मार्कर क्वेश्चन और पंद्रह मार्कर क्वेश्चन पंद्रह मार्कर में ऐसा है कि आपको ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलॉसफी यहां से क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न इंडियन फिलासफर से क्वेश्चन आ सकते हैं और जो मुझे लगता है पर्सनली वो आना चाहिए वेस्टर्न फिलोसफर से 2020 में ठीक है ये जनरल एक नए रे, रेंज है पंद्रह मार्क मार का पंद्रह मार्क का जो क्वेश्चन है अगर आप ऑर्थोडॉक्स स्कूल पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए मॉडर्न इंडियन फिलासफ़र पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट पंद्रह लाइन के नोट्स तैयार कर लीजिए क्योंकि इफ एंड द और इधर ये सब करते हुए दो लाइन तो आप मैनेज कर सकते हैं और वेस्टर्न फिलोस पढ़ लीजिए मतलब सबके आपके मिनिमम या मैक्सिमम कह दीजिए एक एक पन्ने के नोट्स आपके तैयार होने चाहिए तो वहां से आपके काम बन जाएंगे आज के पहले जो मैंने आपको नोट्स दिखाए वो मेरे एग्जैक्ट एक एक पन्ने के तो मैंने मिनिमलिस्टिक अप्रोच किया और इस टाइप से मैनेज किया चीजें आठ मार्क में हमने देखा था कि जो डोमिनेंस था वो वेस्टर्न फिलोसफर का था ठीक है चार मार्क और दो मार्क में हमने देखा था कि या तो बेसिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या बुद्धा जैन के आ रहे हैं या कुछ कुछ की पूछ दे रहा है फिलासफीज़ के है ना मोर और लेस दोनों ही फिलासफीज़ में बन जाते हैं क्वेश्चन ठीक है तो अगर बड़े क्वेश्चन अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए मॉडर्न इंडियन में पकड़ होने चाहिए और वेस्टर्न में पकड़ होने चाहिए वही जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यूजुअली वो वहां पे स्थित प्रज्ञा कर्म योगा इन्हीं में पूछे जा रहे हैं स्वधर्मा इन्हीं में पूछे जा रहे हैं चीज़ें तो इस टाइप से आप मोल्ड कर सकते हैं ठीक है तो ये मेरी जनरल स्ट्रैटेजी थी बाकी आंसर राइटिंग मैंने आपको बता दी है फिलासफी में एक ही फंडा है कि आपको कुछ नहीं करना है आपको पकड़ना है क्रक्स आपने एक बार पकड़ लिया है क्रक्स तो उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे और ज़्यादा टिपिकल फिलासफी वाली लैंग्वेज मत यूज करिए उसको थोड़ा सा टोन डाउन करिए ठीक है आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर नोट्स बना लेते हैं तो पहला तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेमोराइज है ना अगर आप ब्रह्म के बारे में लिख रहे हैं द सोल द सेल्फ द स्पिरिट नीदर द बॉडी नॉर माइंड नॉर इंटेलेक्ट ठीक है मतलब कैन नेवर बी ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कैन ऑलवेज बी द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना कुछ कुछ जार्गन्स हैं ठीक है रटा रहे हैं तो ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा मत रटिए क्योंकि मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को वही जो सिंपल सा जो फिलॉसफी होती है फॉर एग्जाम्पल डायलैक्टिकल आइडियलिज्म एक आइडिया आएगा थीसिस बनेगा उसका अपोजिट आएगा आएगा आइडिया आएगा एंटीथीसिस बनेगा इन दोनों का डायलैक्ट स्ट्रांग होगा तो एक सिंथेसिस आ जाएगा तो इस प्रकार के जो नेचुरली जो कॉमन लेम लैंग्वेज में फिलोसफी के आंसर्स वही अच्छे हैं जो आप पर्टिकुलर ऐसे लैंग्वेज में लिख दें कि क्लास टेन का बच्चा भी समझ जाए जो कि मोरल लेस यही स्पिरिट है पूरे पूरी जी एस आंसर राइटिंग में फिलोसफी कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब आपके नोट्स बहुत ही इम्प्रॉपर बने होते हैं आपने क्रक्स नहीं पकड़ा होता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से टेक्निकलिटीज है जारगन्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है एंड यू ट्राई टू रेप्लीकेट एवरी थिंग एवरी कॉम्प्लेक्स वर्ड रिटर्न इन योर नोट्स इन योर कॉपी ठीक है ऐसा अप्रोच नहीं करने का क्रक्स पकड़ना है फिलासफी का उसको हो सके तो सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफर्स ठीक है और जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं थोड़े बहुत जो जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स संस्कृत वर्ड्स एंड ऑल आते हैं उसको ट्राई करिए कि आ, इंडियन के जो ऑर्थोडॉक्स फिलासफी वाला पार्ट है वहाँ पे बस करिए बाकी जितने भी फिलासफी का पोर्शन लगा हुआ है वहाँ पे टेक इट थोड़ा सा इजी एंड एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो इट विल बी वेरी गुड तो ओवरऑल मैं यही मेरी फ़िलोसफी की स्ट्रैटेजी है हमने सिलेबस देख लिया कहाँ पे फोकस करना है देख लिया मेरे नोट्स देख लिए किस प्रकार से मैंने मॉडल एंसर्से थे वो देख लिए और किस प्रकार से जो डिजाइन होता है पर्टिकुलर सी के फिलासफी वाला सेक्शन स्पेशली आफ्टर द अपडेशन ऑफ सिलेबस हमने ये देख लिया तो मोरलेस यही रहेगा चीज़ें फिलासफी में वंस अगेन मैं, मैं कह रहा हूँ आपको और बार बार कह रहा हूँ कि क्रक्स पकड़ते चलिए चीज़ों का क्रक्स पकड़ते चलिए उसी के अराउंड अपना सिंपल लैंग्वेज में आंसर फ्रेम कर लिए एंड वो वाला पर्टिकुलर पोर्शन आता है तो जस्ट डिलीवर इट देयर एंड मूव ऑन ठीक है यही सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए फिलासफी अच्छे से पढ़िए डोंट गूगल पर्टिकुलर फिलासफी जितने भी पॉपुलर कोचिंग मटेरियल्स हैं वहीं से फॉलो करिए क्योंकि गूगल करने में ऐसा होता है कि फिर आप फिलासफी पढ़ते रह जाओगे अगले तीन चार महीने तक क्रक्स पकड़ना है आपको बिल्ड ऑन दूसरों की मेहनत अगर किसी पर्टिकुलर कोचिंग ने ऐसा मेहनत करके एक निकाल लिया पब्लिकेशन टेस्ट करिए कि ही हैज गूगल्ड एवरीथिंग डेट यू आर डूइंग इट राइट नाउ लैपटॉप बंद करिए टैबलेट बंद करिए मोबाइल बंद करिए जो दिए हुए हैं नोट्स जो पॉपुलर बुक डिपोज में अवेलेबल है नोट्स उनको लाइए दो ले आइए मैक्सिमम अपने अपने मीडियम के ठीक है उनको हाईलाइट करिए उनका क्रक्स पकड़ने की कोशिश करिए डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे फॉरेन मीडियम वाले बच्चे के साथ भी आप डिस्कस करिए कि आपके नोट्स के हिसाब से आपके मीडियम में क्या दिया हुआ इस पर्टिकुलर टॉपिक का ट्राई टू अकोमोडेट इट सिंपल लैंग्वेज में लिखिए ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलासफ़ी जो है सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं वहाँ पे लैंग्वेज बाकी मोस्ट ऑफ द पोर्शन में काफ़ी इजी रखिए लैंग्वेज मेहनत करते रहिए गिव अप मत करिएगा फ़िलासफी स्टार्टिंग में बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि फ़िलासफी इज़ वन ऑफ द ईजियर सब्जेक्ट्स सातों पेपर में इकोनॉमिक्स और इंडियन फिलासफी ज्यादा जो पोर्शन है मुझे काफी ठीक ठाक लगता है वो तो मेरा यही कहना है कि मेहनत करते रहिए डोंट गिव अप पढ़ते रहिए ट्राई करते रहिए वो क्रक्स पकड़ में आएगा एंड इट विल बी वेरी सिंपल एग्जाम इतने महीने हो गए एग्जाम हुए लेकिन मुझे अभी भी वेस्टर्न फिलोसफी याद है क्योंकि उसको मैंने क्रक्स पकड़ा हुआ है क्रक्स पकड़िए अच्छे से नोट्स बनाइए रिवाइज करिए मॉक टेस्ट में टेस्ट करिए किस प्रकार से है शेयर करिए नॉलेज पॉजिटिव कॉम्पिटिशन में हमेशा बिलीव करिए हेल्प अदर्स ग्रो और आपको जो जो आता है ऑलवेज गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी कीप वर्किंग हार्ड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो